Hey guys, welcome back to our channel. अभी हम लोग लोनावला आए हैं और हम लोग एक्चुअली लास्ट दो तीन दिन से बात कर रहे थे कि लोनावला को एक रोड ट्रिप जाके आते, छोटा सा ट्रिप मार के आते, क्योंकि वेदर इतना ऑसम हो गया है यहाँ पे. बारिश तो गिर ही रहा है मुंबई में, बट रुक भी रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि कंटिन्यूसली बारिश गिर रहा है. तो वेदर बहुत ज्यादा प्लेजेंट है. तुझे कैसा लग रहा है वेदर? सबसे बेस्ट पार्ट ना, मतलब पूरा ग्रीनरी से सराउंडेड है. रास्ते में भी पूरा ग्रीनरी था और आज वीकडे था तो हम लोग को बिल्कुल भी ट्रैफिक भी नहीं लगा. तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक इन तो कर लिया है, बट हम लोग का वेलकम बहुत ही सही था. एक्चुअली गाइज, हमारा वेलकम एकदम ग्रैंड था. यहाँ पे महाराष्ट्रियन पूरा उन्होंने थीम फॉलो किया है, तो वेलकम भी हमारा ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन तरीके से हुआ. पहले उन्होंने चंदन का टीका लगाया, उसके बाद ढोल नगाड़े बजाए, वो इतना अच्छा लग रहा था, हमने काफी एंजॉय किया. वो जैसे ही रिसेप्शन एरिया में आए ना, तो उन्होंने पहले तो फ्रेश रोज वाटर दिया फेस पे स्प्रे करने के लिए, बहुत ही ज्यादा फैंसी ये चीज है. उसके बाद उन्होंने हमें कोकम शरबत ऑफर किया और वो इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग था. और सिर्फ रिफ्रेशिंग नहीं, मुझे बहुत ज्यादा यमी भी लगा. मैं एक और ग्लास भी उसका पी लेती. पूरा जो प्रॉपर्टी का टूर है वो देंगे ही हम, बट अभी कांट वेट टू शो यू गाइज हमारा रूम कैसा है, क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा. सो हमने तो ऑलरेडी चेक इन कर लिया है, तो रूम हमने देख लिया है. स्पेशली जो एस्थेटिक्स है रूम के, वो एग्जैक्टली मेरे वाले एस्थेटिक्स है. इनफैक्ट हमारा जो बेडरूम हमने डिजाइन किया है वो समवॉट सिमिलर इस रूम के डिजाइन जैसा है. राइट, जैसे हम लोगों ने ये वॉल देखा ना जैसे अंदर आए, तो ये हम लोग का बेडरूम का जो वॉल है वो सेम है, एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है. सो क्विकली मैं आपको रूम दिखा देती हूँ. एंटर करते ही यहाँ पे उन्होंने स्नैक्स रखे हैं, जो कि ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, चार्जेबल है. उसके बाद वाटर बॉटल्स है, फिर यहाँ पे कुकी का जार रखा है छोटा सा, फिर यहाँ पे है केटल और टी कॉफ़ी का सारा चीज़ें, रेफ्रिजरेटर, फिर उसके बाद यहाँ पे लगेज रखने के लिए है, ये वार्डरोब है, यहाँ पे बाथरोब दिया है उन्होंने, और उसी के साथ साथ जो रूम में स्लीपर्स डालते हैं वो भी दिया है. यहाँ पे है ये किंग साइज बेड जो काफी कंफर्टेबल लग रहा है. और मुझे एक चीज बताना है आपको, ये जो डेकोर है ना उन्होंने बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा और रिलैक्सिंग लग रहा है. प्लस ये फ्लावर्स उन्होंने जो रखे, ये रियल फ्लावर्स है. टीवी है, डेस्क है, और डेस्क पे दिस इज सो क्यूट. ये सरप्राइजिंग था आपने, सरप्राइजिंग था. थैंक यू सो मच रेडिसन टीम. अब मैं आपको एक हाईलाइट दिखाना चाहती हूँ. ये सामने स्विमिंग पूल है और यहाँ पे साइड में बाथटब है. ये है बाथरूम, काफी स्पेशियस है, सारी चीजें है, सारी टॉयलेटरीज उन्होंने दी है. सो गाइस, ये प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सिंहगढ़ और एक है विजयगढ़. हम लोग रुके हैं विजयगढ़ में, और सिंहगढ़ में उनके पास स्पा, फिटनेस सेंटर, रिक्रिएशनल क्लब, फिर काफ़ी कुछ है, गेस्ट रूम भी है, पर यहाँ पे आई गेस बड़े रूम्स है, और विजयगढ़ में स्विमिंग पूल और बाकी के सारे रूम्स है. तो आप देख सकते हो सारा कुछ उन्होंने ऐसा स्टोन स्ट्रक्चर में बनाया है, बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर है. यहाँ पे क्या चाय बन रहा है? सो अभी फिलहाल हम आए हैं हाई टी के लिए. इनका यहाँ पे फिलहाल मॉनसून स्पेशल हाई टी चल रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया मॉनसून डिलाइट. यहाँ पे चाय के साथ साथ बहुत डिफरेंट टाइप के भजी है, फिर भुट्टा है जो वो लोग रोस्ट करके सेक के देते हैं, वड़ा पाव है. और मौसम इतना प्यारा हो गया है ना, कि इसमें चाय और वड़ा पाव खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा. हमारे सेठ पी रहे हैं चाय, व्यू को एंजॉय करते हैं, कड़क चाय एकदम. सो आप वड़ा पाव खाने के लिए एक्साइटेड हो या फिर भुट्टा खाने के लिए? भुट्टा. मैं तो ऑफ कोर्स वड़ा पाव खाने के लिए एक्साइटेड हूँ. उसके पीछे का स्टोरी पता है ना आपको? क्यों? प्रेगनेंसी में मम्मी ने वड़ा पाव खाया. हाँ, जब भी मम्मी को लेबर पेन शुरू हुआ मेरे टाइम पे, तो उसके एक दिन जस्ट पहले ना उसने वड़ा पाव खाया था. इनफैक्ट वही शाम को उसने वड़ा पाव खाया था, उसके बाद उसको लेबर पेन शुरू हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट डे पे मैं आई, इसलिए मेरा वड़ा पाव से जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है. वड़ा पाव यम है एकदम. बाय द वे गाइस, आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल गिफ्ट लाया है. वो ये है कि अगर आप यहाँ पे लोनावला में यही प्रॉपर्टी में अगर स्टेकेशन करना चाहते हो, तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा. और अगर आप सिर्फ यहाँ पे रेस्टोरेंट में डाइन इन करना चाहते हो, मतलब हिरकणी या फिर मल्लारी रेस्टोरेंट में, तो आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलेगा. और वो जो डिस्काउंट कोड है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो अक्टूबर एंड तक, तो आपको यहाँ पे फ्लैट 20 या फिर 25% का डिस्काउंट मिलेगा. तो अभी मैंने चेंज कर लिया है और मैंने ये ड्रेस डाला है, फुल लेंथ ड्रेस, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के
कुकिंग सेशन के लिए। शेफ बन गई, आधी शेफ तो बन गई थी। नंदन, आई एम ए कलम डायरेक्टर हियर। या हाय हाय, नाइस मीटिंग यू। आई एम गुड। सो व्हाट यू आर गोइंग टू मेक शेफ, क्या बना रहे हैं आप? वेज चिकन पूरी कबाब बना रहे हैं। नवाब जॉब हैदराबाद, उधर का ये स्पेशल डिश है। तो ये एक्चुअली सॉफ्ट होता है, हम चिकन पूरी हम वेज बना रहे हैं, बट एक्चुअली ये होना चाहिए नॉन वेज, मटन का। घी से टेस्ट ऐसा अलग ही हो जाता है, एकदम इनहांस हो जाता है अपने को। जी बहुत आ जाता है, मैं कभी-कभी कॉफी में भी घी डाल के पीती हूं। कॉफी में भी? हां, क्योंकि इतना मैं पहली बार सुन रहा हूं। पहली बार सुन रहे हैं, शेफ भी पहली बार सुन रहे हैं। सोच मैं भी ट्राई करूंगा कल यार, कल कॉफी पीते हैं। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे ना तो सिर्फ उनको पूछ जाओ, देखो मत। आपका रेसिपी क्या है? ब्लैक कॉफी जब गर्म होता है ना, उसके अंदर मैं हाफ स्पून घी डाल देती हूँ। अच्छा। तो मुझे यूजुअली एसिडिटी होता है तो वो हेल्प करता है वो रिड्यूस करने में, और टेस्ट मुझे उसका पसंद है, मतलब मैं यूज टू हो गई। आई एम नॉट श्योर आपको पसंद आएगा कि नहीं। यहाँ पे यूज करना होगा सर, यहाँ पे ना सिग्नेचर डिश करना पड़ेगा यहाँ पे। चटपटा है। बाय द वे, ये जो कुकिंग क्लास है ये 4 to 5 PM को होता है। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप 4 to 5 PM के बीच में आते हो तो आप फ्री में ये एक्सपीरियंस ले सकते हो, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है, प्लस अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आपको कुछ देखने भी मिल जाता है कि ये लोग किस तरीके से कुक करते हैं। सो हम आज हीरकणी में प्रॉपर ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड खाने वाले हैं, और हमारा जो स्टार्टर्स है वो आ गया है, और 4 different starters है, 2 non-veg और 2 veg। साबूदाना वड़ा है, ये है कोथिंबीर वड़ी, ये जो शेल शेप का यानी कि शंख के शेप का जो है उसमें उन्होंने प्रॉन्स दिया है, और ये है चिकन, ये है पिठला, ये घी राइस, और आई थिंक ये स्पेशली शेफ ने मेरे लिए भेजा है बिकॉज मैंने उनको बताया कि मुझे घी कितना पसंद है। बाजरी का भाकरी, दाल है, भरा हुआ बैंगन है, ये है मटन फिश करी। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को हम लोग बहुत अच्छे से सोए, और अभी हम लोग सुबह जा रहे हैं एक ट्रैक के लिए। हम लोग जब भी कोई स्टेकेशन करते हैं, अगर ऐसा कोई एक्टिविटी रहेगा ट्रैक का, तो हम लोग ज़रूर करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह एक अच्छा वॉक हो जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे भी एक छोटा ट्रैक है, और ये जो प्रॉपर्टी है वही अरेंज करता है ये ट्रैक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैक के लिए, हमारे साथ एक गाइड भी है जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हमारे साथ है मयूर। हेलो मयूर। हाय सर। तुम्हें फ्लावर्स बदल क्या बोल रहे थे? फ्लावर्स कार्वी फ्लावर्स है, ते 7 वर्षातून एकदा येतात। ओके। आणि ते आता ह्या वर्षी आलेले आहेत, 2016 ला आले होते फ्लावर्स। आता वेस्टर्न घाट मध्ये जेवढे पण वेस्टर्न घाट मध्ये जे फ्लावर्स आहेत पर्पल कलरचे, ते कार्वी फ्लावर्स आहेत। ते आता 7 इयर्स मधून फर्स्ट टाइम आता आपण फर्स्ट टाइम आपण बघतोय। ग्रेट। गाइस ये एरिया कितना मस्त है, और मयूर बता रहे थे कि जब बारिश होता है तो वहां पे वॉटरफॉल होता है और ये पूरा भर जाता है। यहाँ ये लोनावला है इस एरिया में, यहाँ एक तुंगाली डैम है। डैम का वाटर इस एरिया में तुंगाली विलेज से नाम से जाना जाता है, ये तुंगाली डैम। इस तरह काफ़ी सारे माउंटेन दिख रहे हैं, इसमें लोहगढ़ और विसापुर 2 फोर्ट दिखते हैं। लोग सेम बने हुए हाइट से 1026 meters है सी लेवल से, और नीचे से ग्राउंड लेवल से 200 meters है। तो ये ईजी ट्रैक है, और इसमें हर जगह आपको रेनी सीजन में हर जगह माउंटेन पे वाटरफॉल और ग्रीनरी दिखेगी, ब्यूटीफुल नेचर रहेगा। हाय ब्राउनी। और ये काऊ अपने नाम क्या बताया फ्लावर्स का? कार्वी, लोकल नेम है कार्वी। कार्वी ट्रैकिंग ट्री भी जाना जाता है। ओके। मोस्टली ट्रैकर इसका यूज स्टिक जैसे करता है, उसके रूट काफी मजबूत रहते हैं, तो असेंडिंग के लिए भी करते हैं। ओके। इसको ट्रैकिंग ट्री भी बोलते हैं, और कार्वी इसका लोकल नेम है कार्वी। अच्छा। सो ब्राउनी तो आराम से जा रहा है, लुक एट दैट, ये हम
मेरा वे आउट है। सो प्रिटी। वाओ। तो अभी हम हमारे लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से व्यू और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि थोड़ा ऊपर है तो और भी सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही है। ड्यूक्स नोज दिख रहा है, फिर उसके बाद माथेरान दिख रहा है, खोपोली दिख रहा है, करजत दिख रहा है यहाँ से, तो काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है। और ये एक ऐसा छोटा सा प्लेट्यू जैसा है, तो प्लेन है ये जगह और बहुत अच्छी है। आज स्काई भी काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा भूख लगा है, हम लोग थोड़ा फ्रेश वेश होकर नीचे आ गए। अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट का टेबल है, हम लोग बाहर बैठ रहे हैं। एक्चुअली अंदर के साइड पे भी है ब्रेकफास्ट, हीरकणी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट होता है, बट हमने सोचा कि वेदर अच्छा है तो पूल साइड पे ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सामने ही पूल है और ऐसा टेबल है, तो काफी फैंसी सेटअप है। यहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स, मफिन, केक्स और बहुत सारी चीजें, फ्रूट प्लेटर है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, कोकोनट में सर्व किया है, मस्त फूड, काफी अच्छा लग रहा है। ओहो, क्या डेकोर किया है। हाँ, और ये मिल्क एंड हनी बबल बात है, ये ऑरेंज स्लाइसेस पक्का इसमें डालना था ना। सो कैसा था तेरा बाथटब का एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग था। मैं यूजुअली जाता नहीं हूँ क्योंकि फॉर सम रीज़न जब भी मैं बाथटब में जाता हूँ ना, मुझे बहुत गंदा बैक पेन करता है, इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। इसने मुझे फोर्स करती है कभी कभी, बट इस बार मैं गया ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं था कोई बैक पेन। मैं तो कोई भी बाथटब में फिट हो जाती हूं। फिट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, उसका बॉडी भी एकदम मस्त और रिलैक्स हो जाता है। मैं अभी हम लोग आए रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है हीरकणी। थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली, हम लोग को 3 बज चुका है और काफी भूख भी लग रही है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। सो ये वाला जो पार्ट है रिसॉर्ट का, इस बिल्डिंग को नाम दिया उन्होंने सिंहगढ़, और मुझे इसका स्पेशली कोर्टयार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी यूनिक वे से उन्होंने डिज़ाइन किया है, ओपन स्पेस है, नेचुरल लाइट के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी स्पेस क्रिएट की है। ये है इनका गेम रूम, काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी सारी चीज़ें भी उन्होंने रखी है, जैसे फूसबॉल टेबल है, कैरम बोर्ड है, फिर बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज़ है। इनफैक्ट बच्चों का जो है वो एक सेपरेट एरिया उन्होंने बनाया है, ये वाला। आज मैंने टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेला और इनको हराया आज मैंने टेबल टेनिस में, फर्स्ट टाइम इन लाइफ। गेम रूम के ठीक पास में फिटनेस सेंटर है, तो ये जो जिम है वो गेम रूम जितना बड़ा नहीं है, बट उन्होंने इक्विपमेंट सारे रखे हैं ऑलमोस्ट, तो आपका इजीली वर्कआउट हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ पर एक मिक्सोलॉजी का सेशन है मल्हारी रेस्टोरेंट एंड बार में, बट अभी वेदर यहाँ पर इतना अच्छा हो गया है, पूरा फॉग से कवर्ड, आई थिंक क्लाउड पूरा नीचे है। ये विस्की बेस्ड कॉकटेल है जिसका नाम है ओल्ड फैशन्ड, एंड ये है वाइट रम बेस्ड कॉकटेल जिसका नाम है ताई माई। सैल्यूट। सो गाइस, वी आर रेडी फॉर आवर डेट नाइट, और हमारा आज आउटफिट है ब्लैक फुल। सो गाइस, ये सेटअप है और ये डेट नाइट टाइप सेटअप है। ये काफी फैंसी प्लेटिंग है चाट के लिए, और ये क्या है पता है आपको? दाबेली पूरी। अनएक्सपेक्टेड। आज हमारे डेट नाइट के लिए शेफ ने बहुत ज़्यादा स्पेशल फूड बनाया है, स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जो अवधि फूड है ये उनका स्पेशलिटी है,
तो सारा अवधि फूड हमें सर्व किया गया है। मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि क्या क्या है हमारे प्लेट में। सो मेरे प्लेट में है वेज कोफ्ता और एक है आलू का कोफ्ता। उसके बाद है उनकी स्पेशलिटी दाल मखनी। ये रोटी है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ उन्होंने रोटीज़ दिया हुआ है। नान है, चपाती है, पराठा है और उनके लिए स्पेशल चिकन। उसी के साथ वेज बिरयानी भी है, सैलड है और कुछ पापड़ रखे उन्होंने। हम लोगों ने जितने भी डिश यहाँ पे टेस्ट किए ना, सारे के सारे अमेजिंग थे। और यहाँ पे ना आप सिर्फ डाइन इन करने को भी आ सकते हो। और ये जो रेस्टोरेंट है ये 4 बजे तक सुबह तक खुला रहता है। का नाम है मल्हारी। सो आज चेकआउट का दिन है। प्लान तो था सुबह पूल में जाने का, बट हम इतने ज्यादा टायर्ड थे कि सुबह लेट उठे। अभी ब्रेकफास्ट हमने हमारे रूम में ही बुला लिया है, तो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। गाइस आज हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट इन बेड, जो कि बेड के बाजू में उन्होंने अरेंज किया है। इतना सब बेड पे कैसे अरेंज हुआ? हाँ, बट कितना सारा कुछ दिया है। तो हमारे रूम का जो कॉस्टिंग है वो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमने हमारे सारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड लाया है, फेस्टिवल 2023। ये हमने स्क्रीन पे भी डाल दिया है। ये अगर आप कोड उनको डीएम करोगे बुकिंग करते टाइम, इंस्टाग्राम पे आपको डीएम करना है, तो आपको रूम्स पे फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। और अगर आप सिर्फ डाइनिंग के लिए आ रहे हो तो उस पे 25% ऑफ मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे रहने के लिए भी नहीं आ रहे ना, तो डाइनिंग करने के लिए अगर आते हो तो आप जरूर आइए। और प्लस आपके पास डिस्काउंट कोड भी है, तो आपको 25% ऑफ भी मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे अमेजिंग स्टेकेशन वीडियोस के लिए बाय गाइस।